हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान हो रोज की बारिश में कपड़े गंदे होने से और थोड़े कंफ्यूज भी हो कि हमें रेनी सीजन में कैसे टाइप के कपड़े पहनने चाहिए जो कि बारिश में गंदे भी ना हो। और हम ये भी बात करेंगे कि कौन से टाइप की फैब्रिक एंड फुटवेयर हमें रेनी सीजन में वेयर करने चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेनी सीजन आउटफिट्स, फैब्रिक्स एंड फुटवेयर के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन्स एंड प्रॉब्लम्स दूर होंगे एंड आप भी इस रेनी सीजन में मस्त एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू वीडियो के अपडेट्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप उन लोगों में से एक है जो रेनी सीजन में बाहर जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि रेनी सीजन में कैसे टाइप के कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन और मलमल जैसे कपड़े जिनमें लेस एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होती है, ये फैब्रिक्स रेनी सीजन के लिए बेस्ट होते हैं। तो ये फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड एंड इजीली ड्राई हो जाते हैं, तो ये फैब्रिक्स ह्यूमिड क्लाइमेट्स के लिए परफेक्ट होते हैं। तो आप इन्हें रेनी सीजन में ज़रूर ट्राई करें। अगर आप बिना झंझट के कपड़ों की तलाश में हैं, तो खादी फैब्रिक्स के आउटफिट्स आपके लिए बेस्ट है। खादी फैब्रिक्स के आउटफिट जल्दी सूख जाते हैं और आपको स्टाइलिश दिखने में भी आपकी हेल्प करते हैं और इस फैब्रिक से दाग भी जल्दी निकल जाते हैं। तो आप इस रेनी सीजन में खादी के आउटफिट जरूर पहने। डेनिम रेनी सीजन के लिए बहुत अनकम्फर्टेबल आउटफिट होता है क्योंकि ये बारिश में भीगने पर हेवी हो जाता है और इसे सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको रेनी सीजन में डेनिम फैब्रिक के आउटफिट्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रेनी सीजन में भी डेनिम के आउटफिट्स पहनना चाहते हैं तो आप मिक्स डेनिम क्लोथ्स पहन सकते हैं, जैसे कि कॉटन डेनिम या फिर आप शैम्ब्रे फैब्रिक्स के क्लोथ्स वेयर कर सकते हैं। ये फैब्रिक के कपड़े ब्रीदेबल होते हैं। इसके अलावा इस कॉटन डेनिम ड्रेस में आप कूल, रिलैक्स एंड केयर फ्री फील कर सकते हो, इसीलिए आप इस कॉटन डेनिम ड्रेस को स्वीट हार्ट नेकलाइन के साथ ट्राई कर सकती हैं। मॉनसून में कॉटन पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने मॉनसून वार्डरोब में कॉटन ब्लेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं। रेयन एक बहुत अच्छा कॉटन ब्लेंड है क्योंकि ये ना सिर्फ ब्रीदेबल होता है बल्कि इसमें से हल्की सी शाइन भी होती है जो इसे रेगुलर कॉटन की कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। सो फ्रेंड्स, रेयन की सबसे अच्छी बात होती है कि ये भीगने पर जल्दी ड्राई हो जाता है और स्वेट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप रेनी सीजन में इस टाइप के ड्रेसेस को वेयर कर सकते हैं। मॉनसून सीजन के लिए क्रेप ब्लेंड एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये जल्दी ड्राई भी हो जाता है और कॉटन की कंपैरिजन में ये थोड़ा मोटा फैब्रिक होता है, तो ये भीगने पर आपकी बॉडी से पूरी तरह से चिपकता नहीं है और ये ट्रांसलूसेंट नहीं होता है। इस मॉनसून में आप अपने वार्डरोब में क्रेप ब्लेंड ट्रेंच ड्रेस को ऐड कर सकते हैं जो कि आपको इस रेनी सीजन में भी स्टाइलिश दिखने में हेल्प करेगा। सबसे एलिगेंट कपड़ों में से एक होता है क्रेप सैटिन एंड लायरा। ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लायरा की थोड़ी सी इलास्टिसिटी और सैटिन की शाइन के कारण इसे आप रेनी सीजन में वेयर कर सकते हैं। इस फैब्रिक के कपड़े रेनी सीजन में वेयर करने के लिए बेस्ट होते हैं। क्रेप और लायरा फैब्रिक में जल्दी सूखने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ये रेनी सीजन के लिए बेस्ट होते हैं। गैबर्डिन एक ऐसा फैब्रिक होता है जिसे वूल और पॉलिस्टर के मिक्सचर से तैयार किया जाता है और इसे सूट, कोट और पैंट्स, जैकेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और ये वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। आप इस रेनी सीजन में सुपर्ब दिखने के लिए गैबर्डिन फैब्रिक के आउटफिट्स को ट्राई कर सकते हैं। आपको मॉनसून में हाथ से रंगे हुए कपड़े को पहनना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि गीले होने पर इन कपड़ों का रंग छूटने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है। सबसे अच्छा आप इन्हें घर पर ही रखें जब तक आप 100% श्योर ना हो कि वो रंग नहीं छोड़ेंगे। तो आपको रेनी सीजन में हाथ से रंगे हुए कपड़े को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। आपको इस सीजन में एंकल लेंथ, नी लेंथ या फिर शॉर्ट ड्रेसेस या पैंट्स पहननी चाहिए क्योंकि इस सीजन में बारिश की वजह से सारे रास्ते कीचड़ और पानी से भरे होते हैं, तो उसके कारण आपके कपड़े कीचड़ की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एंकल लेंथ पैंट नहीं है तो कोशिश करें कि अपने रेगुलर पैंट को एंकल तक रोल करके पहनें और आप इस सीज़न में इस टाइप के एंकल लेंथ, नी लेंथ और शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकते हैं। डार्क कलर के आउटफिट्स इस सीज़न के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि इन पर लगे हुए दाग डार्क कलर की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपको लाइट कलर के आउटफिट्स वेयर करना पसंद है तो मैं कहूँगी कि आपको उसको बॉटम वेयर के बजाय टॉप वेयर में पहनना चाहिए क्योंकि रेनी सीजन में आमतौर पर आपके बॉटम वेयर कीचड़ की वजह से जल्दी गंदे होते हैं। तो टॉप वेयर में आप लाइट कलर पहन सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि बॉटम वेयर में आप डार्क कलर ही पहनें।
आपको रेनी सीजन में कम से कम एसेसरीज कैरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज्वेलरी पहनकर बाहर निकलते हैं और अचानक से बारिश आ जाए तो आपकी ज्वेलरी खराब हो सकती है या फिर आपको ही ज्वेलरी की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसीलिए आप उसके बजाय छोटे इयररिंग्स, नेक चेन्स, रिस्ट वॉचेस या फिर ब्रेसलेट का ऑप्शन चूज कर सकती है। आपको इस सीजन में ओपन टो फुटवेयर को वेयर करना चाहिए और क्लोज टो फुटवेयर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस टाइप के फुटवेयर पहनने के बाद आपके पैरों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है और बदबू भी आती है, तो ऐसे में इस सीजन में बैक्टीरिया और फंगस के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए आपको इस टाइप के ओपन टो फुटवेयर फ्लिप फ्लॉप्स वेयर करने चाहिए जो जल्दी ड्राई हो जाते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। अगर आपको ओपन टो फुटवेयर पहनना पसंद नहीं है तो आप इस टाइप के रबर बेलीज भी ट्राई कर सकते हैं जो जल्दी ड्राई होते हैं और बैक्टीरिया एंड फंगस के चांसेस भी कम होते हैं। और आप इस सीजन में गम बूट्स, क्लॉग्स, स्लीपर्स या फिर स्केचर्स सैंडल्स या फिर इस टाइप के वाटरप्रूफ सॉक्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप इस सीजन में इस टाइप के फुटवेयर ज़रूर ट्राई करें। आपको इस रेनी सीजन में सिल्क, लेदर, जॉर्जेट और वेलवेट जैसे फैब्रिक को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी नहीं सूखते हैं तो आप उसे पहनने के बाद बहुत अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस रेनी सीजन में आप हमेशा बाहर निकलते वक्त अपने साथ अम्ब्रेला या रेनकोट जरूर रखें ताकि आप भीगने से बच सकें। अगर आप वर्किंग वुमन हैं और आपको अम्ब्रेला और रेनकोट साथ ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप इस टाइप के डिस्पोजेबल रेनकोट्स अपने साथ रख सकते हैं, जैसे कि रेन कार्ड्स या फिर रेनकोट बॉल्स। इसे हमें हमेशा बाहर निकलते वक्त हमारे साथ रखना चाहिए। ये साइज़ में बहुत छोटा होता है तो इसे आप अपने पॉकेट्स में या फिर पर्स में भी रख सकते हैं। तो आप इस रेनी सीजन में इन टिप्स को बाहर जाते वक्त ज़रूर फॉलो करें। और ऐसे ही और वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो फ्रेंड्स, आपको इन ड्रेसेस में से कौन सा फैब्रिक और कौन सा ड्रेस मॉनसून सीजन के लिए बेस्ट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन बेल आइकन को दबाना भूल जाते हो, तो बेल आइकन को दबाएं न्यू वीडियो के अपडेट्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।